আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। পশ্চিম বঙ্গাল কি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি लगातार डॉक्टरों से यह अपील कर रही हैं कि वो दोबारा से काम पर लौट जाएं और धरना प्रदर्शन को खत्म करें। आज 9 अगस्त की रात जो हुआ उसको हुए एक महीना हो गया है, लेकिन अब भी डॉक्टरों का प्रदर्शन, गुस्सा, आक्रोश जारी है। डॉक्टर न्याय की मांग कर रहे हैं। कोलकाता में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं अब वो चरमरा से गए हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में लेडी ट्रेनी डॉक्टर का जो रेप मर्डर हुआ उसके बाद से ही बवाल जारी है और अब कोलकाता का जो हेल्थ सिस्टम है वो कराहने लगा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार शाम कहा कि मैंने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का इंतजार घंटों किया, लेकिन बातचीत के लिए वो तैयार नहीं हुए। लोगों से माफी मांगना चाहती हूं और जिन्हें लगा कि डॉक्टरों से बातचीत होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा उन लोगों से माफी मांगना चाहती हूं। मैं लोगों की खुशी के लिए इस्तीफा भी देने को तैयार हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि मैं भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेप मर्डर केस में न्याय चाहती हूं। जूनियर डॉक्टर्स के काम रोक देने के चलते 27 लोगों की जान चली गई है और 7 लाख मरीज इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसके बावजूद मैं डॉक्टर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगी। बड़े होने के नाते मैं उन्हें माफ करती हूं और वो काम पर वापस लौट जाएंगे। बट आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज टू द पीपल, आई अपोलोजाइज टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड द वर्ल्ड पीपल हु आर सपोर्टिंग देम। प्लीज गिव योर सपोर्ट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। वी वांट जस्टिस फॉर तिलोत्तमा, वी वांट जस्टिस फॉर कॉमन पीपल, we want justice for treatment for common people, we want that as per supreme court instruction they must join their duty, though 3 days are over after the supreme court verdict, instead of that also we are not taking any disciplinary action, because sometimes we have to tolerate, it is the duty to tolerate sometimes। बंगाल में धरना दे रहे जूनियर डॉक्टर्स को ममता सरकार ने शाम 5 बजे मुलाकात के लिए बुलाया था। डॉक्टर्स न बनना पहुंचे, लेकिन मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट कराने की शर्त पर अड़े रहे, जबकि सरकार इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानी। पिछले 3 दिनों में सरकार की ओर से डॉक्टरों के साथ बातचीत की ये तीसरी पहल थी। डॉक्टर्स ने पिछले 2 प्रस्तावों को खारिज कर दिया था। उनकी 5 मांगे हैं। उन्होंने इस पर बातचीत के लिए 4 शर्तें रखी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टर्स 34 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। वो 4 शर्तें ये थी कि 30 मेंबर डॉक्टर डेलीगेशन जो है मीटिंग में शामिल हो। दूसरी मांग, मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग हो। जूनियर डॉक्टरों की जो 5 मांगे हैं उनको पूरा करने की बात इन 4 शर्तों में की गई और ममता बनर्जी मीटिंग में मौजूद रहें ये भी शर्त रखी गई। ममता ने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर का मामला कोर्ट में है, ऐसे में हम इस मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत नहीं दे सकते। हमने इस बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की तैयारी की थी। अगर डॉक्टर्स चाहते तो हम सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेकर उनसे ये रिकॉर्डिंग शेयर कर देते और दिखा भी देते। ममता के इस बयान को लेकर जूनियर डॉक्टर से कहा कि हमें भी इस बात का दुख है कि सरकार के साथ हमारी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन हमने कभी ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा ही नहीं। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती। हम अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं। तो दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जो पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष से जुड़े ठिकानों पर फिर से छापेमारी की है। टीम कोलकाता के चिनार पार्क स्थित घोष के पिता सत्यप्रकाश घोष के घर पर तलाशी ले रही है। घर के कुछ कैमरों की भी तलाशी ली जा रही है और साथ ही दरवाजा भी जो है खुलवाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा ईडी को। हालांकि कई ऐसे ठिकाने हैं संदीप घोष के जहां पर सर्चिंग ईडी की लगातार चल रही है। सीबीआई ने घोष को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था। रेप मर्डर की घटना के बाद घोष ने 12 अगस्त को इस्तीफा भी दे दिया था। सरकार ने कोई भी शर्त मानने से इनकार किया था। जूनियर डॉक्टर ने बुधवार यानी कि 11 सितंबर को बंगाल सरकार से मीटिंग के लिए समय मांगा था। हालांकि सरकार ने डॉक्टरों की शर्तें मानने से इनकार कर दिया और उन पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। ये भी जान लीजिए कि जूनियर डॉक्टर्स की शर्त आखिर क्या है। वो 5 शर्त
जिनको पूरा करने की मांग हो रही है। रेप मर्डर के सबूतों से छेड़छाड़ करने वालों को गिरफ्तार और सजा की मांग है। संदीप घोष पर एक्शन लेने की मांग है और कोलकाता कमिश्नर विनीत का इस्तीफा मांग रहे हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात हो रही है और साथ ही हॉस्पिटल से लेकर मेडिकल कॉलेज में जो थ्रेट कल्चर है उसको खत्म करने की बात हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री राज्य की, उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि आंदोलनकारी डॉक्टर्स खुले दिमाग से बातचीत करना चाहते हैं, हम उनकी हर बात सुनने को तैयार हैं, लेकिन वो बैठक के लिए पहले से शर्तें नहीं रख सकते हैं। जूनियर डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका कहना है कि हमें उम्मीद थी कि सरकार हमारी मांग मान लेगी। हमारी मुख्य मांग पीड़ित के लिए न्याय है, हम भी जल्द समाधान करके काम पर लौटना चाहते हैं। सुबह सुबह मुख्यमंत्री कार्यालय को ईमेल करने में कोई राजनीति नहीं थी, ये उनका कहना है। जो लोग राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं वो ही राजनीति कर रहे हैं, हम पहले दिन 5 सूत्रीय मांग कर रहे हैं। सीएम ममता ने 10 सितंबर को डॉक्टरों को बातचीत के लिए सचिवालय बुलाया था, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उन्हें मेल भेजा गया, हालांकि जूनियर डॉक्टरों ने मीटिंग में आने से मना कर दिया। डॉक्टरों के इनकार के बावजूद ममता ने करीब 30 मिनट इंतजार भी किया। आखिरकार जब डॉक्टर्स नहीं आए तो ममता बनर्जी वापस से लौट गई। डॉक्टरों का ये कहना है कि हम जिसका हेल्थ सेक्रेटरी का इस्तीफा मांग रहे हैं वही बैठक के लिए बुला रहा है, उसमें भी सरकार ने सिर्फ 10 डॉक्टरों को बुलाया, ये आंदोलन का अपमान है। वो चाहते थे 30 डेलीगेशन डॉक्टरों का रहे। 9 सितंबर को कोर्ट ने रेप मर्डर केस की सुनवाई के दौरान कोलकाता के जूनियर डॉक्टरों को प्रदर्शन खत्म करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने डॉक्टरों को 10 सितंबर की शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम भी दिया था। कोर्ट ने आदेश न मानने पर राज्य सरकार को एक्शन लेने के लिए भी कहा। हालांकि डॉक्टर्स अपनी मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन करने के फैसले पर डटे रहे। उन्होंने 10 सितंबर को स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन शुरू किया। हालांकि ममता बनर्जी ने कई घंटे इंतजार किया, लगभग 80 मिनट ममता बनर्जी ने, उससे ज्यादा ही 2 घंटे के लगभग बताया जा रहा है, जब डॉक्टरों का उन्होंने इंतजार किया, लेकिन ये डॉक्टर्स वहां पर नहीं गए। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी मांगे थी, इनकी अपनी शर्त थी, जिसके आधार पर उन्होंने कहा था कि अगर इन शर्तों को मान ली जाती है तो ही हम मीटिंग के लिए आएंगे, जिसमें से सबसे मुख्य ज्यादा जो शर्त थी वो लाइव स्ट्रीमिंग की थी कि जो भी बातचीत होगी उसकी स्ट्रीमिंग होगी ताकि हर कोई ये सुने और जाने कि आपके बयान क्या हैं मुख्यमंत्री होने के नाते। उससे भी बड़ी बात यह कि ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, आप सब काम पर लौट जाइए, मैं निराश हूं कि आज जो बात होने वाली थी वो नहीं हो पाई है, इसलिए अगर आप इस्तीफा मांग रहे हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। हालांकि डॉक्टरों ने कहा कि हमें इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें बातचीत कर मसला सुलझाना है, अगर आप हमारी शर्तें मान लेती हैं तो हम बातचीत करने को तैयार हो जाएंगे। अब ये देखना होगा कि क्या डॉक्टरों की शर्त ममता बनर्जी मानने वाली है और शर्त के अनुसार ही क्या बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। आपकी क्या राय है इस मामले में, आप जरूर हमें कॉमेंट कर बताएं। आप देखते रहिए न्यूज 18।